हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। फिर दो हजार उन्नीस का है और इस यह 3 आवर्स का होता है और 32 मार्क्स का होता है। इसके अंदर जो ही नोट दिया हुआ है कि इस 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें 2 सेक्शन दिए हुए ए एंड बी सेक्शन, उसमें से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ईच सेक्शन से। और क्वेश्चन फर्स्ट इज कंपलसरी है। क्वेश्चन फर्स्ट अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट जो हैं ये फर्स्ट पेज पर दिए हुए हैं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 2 पर और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, डी पार्ट, ई, एफ और जी, एच पार्ट दिया हुआ है और ये सभी पार्ट कंपलसरी करने हैं आठ पर। और ये एक एक पार्ट एक एक नंबर का है और 8 पार्ट मिला के टोटल 8 नंबर हो जाएंगे, इसमें मार्क्स होंगे हमारे। और अब आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। आगे का क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। अब हम आ गए हैं थर्ड पेज पर और जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसके जो कुछ पार्ट बचे हुए थे वो ये यहाँ पे दिए हुए हैं और उसका सी पार्ट भी है। तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और या फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के पार्ट जो दिए हुए हैं हमें, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं तो हमें ये दोनों पार्ट करने होंगे अगर हमें थर्ड क्वेश्चन चूज करते हैं तो। और अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में जो कि सेक्शन ए का ही पार्ट है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 4 पर। 4 पे जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए का, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का जो कि 4th क्वेश्चन है सेक्शन ए के अकॉर्डिंग। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं ए एंड बी पार्ट दिए हुए हैं तो हम इन क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन दिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक। जो 6th क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी, जो कि हम ये क्वेश्चन चूज करते हैं तो हमें इसके 3 पार्ट करने होंगे। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। अब हम आ गए हैं लास्ट पेज और 5th पेज पर और क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं ए एंड बी। और अब हम आ गए हैं 8th क्वेश्चन पे और जो ये 8th क्वेश्चन के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं और 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं तो ये हमें इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। और जो ये दोनों पार्ट है 9th क्वेश्चन है वो 6th नंबर का है और 8th क्वेश्चन भी ऐसे 6 मार्क्स का ही है। जो भी ए सेक्शन ए और बी सेक्शन क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं।